इस व्लॉग को देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे, और जब अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूले। हाय, अभी देखिए मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़ोरों की आई। मेरे आँख भी ठीक से नहीं खुल पा रहे हैं। मैं खोलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ पर खुल नहीं पा रहे क्योंकि आँखों पे नींद पूरा भरा हुआ है। पर मैं अभी सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो दी हूँ अपलोड होने के लिए, और जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद ही मैं सोऊंगी। इसलिए भगवान से मैं प्रेयर कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं होगा मैं सो जाऊँगी ना तो कुछ भी कुछ भी आ जाता है। इसलिए मैं थंबनेल चेंज करने के लिए बैठी हुई हूँ। जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगी मैं उसका थंबनेल चेंज करके सो जाऊँगी। पर मैं सोच रही हूँ कि टाइम ज़्यादा ना ले, ज़्यादा टाइम लेगा तो मेरी बेटी बेटी का उठने का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि वो आधा घंटा हो चुका है उसको सोए हुए। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से सोएगी तो आधा घंटा एक घंटा और सोएगी, तो ऐसा ना हो कि वो उठ के बैठ जाए और मुझे मैं बोलूँ कि मुझे नींद आ रही मुझे सोने दो, क्योंकि जब वो उठ जाए जाएगी तो मैं सो पाऊँगी इसकी गारंटी नहीं है। वो इतना माँ माँ करने लगती है, माँ ये दो माँ वो दो, माँ आज स्कूल में ऐसे हुआ माँ स्कूल में ऐसे हुआ, तो मैं उसी का सुनने लगती हूँ और फिर नींद नहीं आती है। और दिन भी छोटा हो रहा, उठने के बाद जो है डेकोरेशन भी करनी है तो ऐसे मंदिर को भी ठीक ठाक करना है, और कुछ कुछ फ्लावर व्लावर जो लेके आए हैं उसको भी डेकोरेट करना है, क्योंकि दिन ही कहाँ है हमारे हाथ में। और फिर क्या होता है शाम हो जाती है तो फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाता है, बेटी को पढ़ाना, रात का खाना बनाना, तो उसी में सारा समय बीत जाता है। और फिर मैं रात को कोशिश करती हूँ कि जल्दी सो, मेरी जल्दी बिग बॉस ख़त्म होने के बाद ही होती है, क्योंकि बिग बॉस में देखना मिस नहीं करती हूँ मैं, उसे देखती ही देखती हूँ। और खाना बना के मैं पहले रख लेती हूँ, लेकिन जब बिग बॉस ख़त्म होती है उसके बाद ही हम लोग खाने बैठते, इसलिए हम लोग का सोना जो होता है बहुत जल्दी, मैंने कहा तो 10:30 बज जाती है सोते सोते। फिर सुबह में उठना पड़ता है, तो इसीलिए मैं जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ कि 11 बजे से पहले सो जाऊं, ताकि सुबह में उठने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो सुबह में आंखें नहीं खुलती रहती, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं 3:30-4 बजे आँख खुल जाती है और फिर सोचती हूँ कि अभी बहुत टाइम है सो लेती हूँ। फिर जब मैं सोती हूँ और अचानक से आँख खुलती है तो देखती हूँ 6 बज गए, 6:15 हो गए, तो फिर जल्दी से उठ के बेटी को रेडी करती हूँ, उसकी टिफ़िन रेडी करती हूँ और फिर उसे भेज देती हूँ। उसके बाद ही अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी करती हूँ। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, लेकिन चलो हस्बैंड भी काफ़ी हद तक हाथ बढ़ा देते हैं तो मेरी सुबह के काम में जो है बहुत सहूलियत मिल जाती है। थक चुकी हूँ, अब सोने के लिए आई हूँ, क्योंकि कल का भी जो सुबह का काम है मुझे अभी ही करके कंप्लीट करना पड़ा, क्योंकि कल जो है मैं अपनी मौसी के यहाँ जाऊँगी। उनकी जो फादर इन लॉ का डेथ हो गया था, कल दुआशा है, तो लास्ट उनका घर में ये है उस क्रियाकलाप क्या बोलते हैं कुछ ऐसे ही होता है वो लास्ट है, तो मैं उनके यहाँ जाऊँगी। और इसीलिए जो है, और दीपावली भी परसों है, कल छोटा दीपावली है, तो इसीलिए काम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कल का सुबह का काम जो है अभी कंप्लीट किया। इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थकान महसूस हो रही है, क्योंकि आप 2 दिन का 3 दिन का काम एक साथ करोगे, एक दिन करोगे तो हाँ हाँ दिखा दी अच्छा दिखा दूंगी ठीक है, तो बहुत ही मतलब हालत ख़राब हो जाती है, जैसे कि मेरी हो चुकी है। अब मैं जो है इस वीडियो ब्लॉग को कल कंप्लीट करूंगी, आज मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं इस ब्लॉग को कंप्लीट करूं, और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। थोड़ी सी बैठी इसलिए हूँ कि मेरी बेटी जो है वो दूध पी रही है और दूध पीने में बहुत नाटक कर रही है, तो इसीलिए बैठी हूँ कि वो दूध पी ले तो फिर सोने चल जाऊँ, फिर वो दूध पी लेगी तो मैं सोने चल जाऊँगी। जल्दी पियो मिस्टी, क्या करती है तो चोर आओ जंगल में, ऐसी बेटी नहीं चाहिए तो जल्दी से दूध पी लो, मुझे ऐसी बेटी चाहिए, लेकिन दूध कंप्लीट कर लेगी ना, जल्दी से कर लो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी ये रखती हूँ, फिर करती हूँ कल आप लोगों से बातें। मेरी हालत हो गई है ख़राब, चल चल के कभी एक सामान जाती हूँ लेके आती हूँ, फिर घर आने के बाद पता चलता है कि अरे वो सामान जो और लेना था वो छूट गया, जैसे कि मुझे छोटा छोटा कांटी लेना था तो मैं ये बोर्ड लेके आई हूँ।
पर इसका जो एक्सपेक्टेशन था कि ये तार बहुत लंबा होगा, वो तार इसका ज़्यादा लंबा नहीं है, तो फिर एक बोर्ड और भी लेना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि अब मुझे एक बोर्ड नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाहर में लाइट लगाने वाली थी। अब मैं बाहर में लाइट लगाने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर चुकी हूँ, तो इसीलिए घर में ही लाइट लगाऊंगी। मेरी बेटी का दीपावली का घर जो है, कुछ एक ब्लॉग में मैंने दिखाया था वो घर, तो उस घर को मैं डेकोरेट करूँगी। और मैं जा रही हूँ छोटे छोटे कांटी है वो लेके आने के लिए, क्योंकि घर में जो फ्लावर से डेकोरेट करूँगी वो छोटे छोटे कांटी लगेंगे उसमें, तो वो मैं नहीं लेके आई हूँ, तो वो भी मैं लेके आऊँगी। कोई मेरा पाँव दबा दे, इस टाइम में इतना पाँव दर्द कर रहा ना कि छोटी बहन सबकी याद आ रही है। छोटी बहन सबका हुक्म ज़्यादा चलाते हैं ना, छोटी बहन होती है तो चलो मेरा पाँव दबा दो, मेरा पाँव दर्द कर रहा है, बहुत काम कर लिया। और वो लोग प्यार से पाँव भी दबा देती है। मेरी एक बहन है वो मुझे खाना भी खिला देती है, उसके हाथों का खाना बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो अचार का मसाला, प्याज, नमक और हरी मिर्ची ये सब मिला के खाने में मुझे बहुत यम्मी लगता है। और ये मेरी एक छोटी बहन है वो मुझे बना के खिलाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उसके हाथों का वो खाना जो है, राइस और अचार का मसाला, वो मैं बहुत मिस करती हूँ। दूसरी बात कि मेरी छोटी बहन लोग रहती तो बोलती थोड़ा पाँव दबा दो, थोड़ा कॉफ़ी बना दो, थोड़ा खाना निकाल के दे दो, मैंने बहुत काम किया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पतिदेव ऑफिस, बेटी स्कूल, अब बेटी घर में भी रहती तो उसी का काम मुझे करना पड़ता है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, तो इसीलिए वो तो मेरा कुछ नहीं कर सकती, उसी का सारा काम करना पड़ता मुझे। और अकेले में घर में तो मैं ना करूँगी तो कौन करेगा, तो मर के भी मुझे ही करना पड़ेगा। फिर मैंने ये लाइट लिया है जो बाहर में लगाऊंगी। एक्चुअली मेरे बैकयार्ड में जो लाइट है वो ख़राब हो चुका है, बहुत दिन से ख़राब था पर लगा नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका, दीपावली में तो लाइटिंग की शॉपिंग हो ही रही है, तो उसके साथ ये लाइट भी खरीद लेती हूँ और उसे लगाऊँगी। मैं उसी को नाप तोल कर रही हूँ कि मेरे हाइट के अनुकूल है या नहीं, अगर मैं टूल भी लगाती तो मेरे हाथ पहुंचेंगे कि नहीं, अगर नहीं पहुंचेंगे तब तो पतिदेव का वेट करना पड़ेगा कि वो आए। देखिए मेरे होठ हल्का हल्का काला हो गया है, ठंड का मौसम में यही तो प्रॉब्लम होता है, स्किन डल पड़ जाता है, होठ काले पड़ जाते हैं, बहुत केयर करना पड़ता है ठंड के मौसम में। और अभी पूजा के टाइम में कोई केयरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अभी थोड़ा सा केयर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने स्किन का, अपने सेहत का ख्याल हर किसी को रखना चाहिए, तो करना लगता है। मेमोरी फुल हो चुकी है, इसीलिए मेरा वीडियो अपलोड बोल रहा है, मेरा वीडियो नहीं ले रहा है। और देखते हैं क्या क्या कर पाती हूँ, उधर खाना भी बनाना रहता है, खाना भी बना रही हूँ। हाँ एक बात और, आज मुझे अपनी मौसी के घर जाना है, ये तो मैं भूल ही गई थी, अच्छा हुआ अभी याद आ गया। तो मैं करती हूँ काम और आप भी जाओ, दीपावली के दिन तो कोई भी खाली नहीं रहता है, तो आप भी जाओ करो काम, मैं भी जा रही हूँ करूँगी काम और देखते हैं। हाँ और आप लोग बताना कि आपने घर को कैसे डेकोरेट किया है, आइडिया मिलता है जब कोई एक दूसरे से शेयर करता है ना कुछ अच्छी बातें, तो अच्छी अच्छी आइडियाज मिलती है एक दूसरे से, तो सामने वाला भी कोशिश करता है अरे इसका ये जो आइडिया था अच्छा था, नेक्स्ट टाइम से हम भी करेंगे। मैं जिस पार्सल की बात कर रही थी वो पार्सल आ चुका है, पर मैं अभी ये खोलूंगी नहीं, जब सर्विस वाले आएंगे सेट करने तभी ये खुलेगा, मेरे हस्बैंड का ऐसा कहना है, तो मैं अभी नहीं खोलूंगी, मैं भी नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखूंगी तो आप लोगों को कहाँ से दिखाऊंगी। मैं जिस दिन खोलूँगी उस दिन मैं भी देखूँगी और आप लोग को भी दिखाऊँगी, बहुत खुशी मिल रहा है। दूसरी खुशी ये है कि ये देखिए मेरी बेटी का दीपावली का घर डेकोरेट हो रहा है, अभी पूरी तरह से हुआ नहीं, डेकोरेट हो रहा है और मैंने लाइट लगाया है, वो भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा लाइट लगाने के लिए मुझे लाइट, ये वाला लाइट ऑफ करनी होगी, इसके बाद ये देखिए मैंने पूरा घर लाइट से सजाया है। या है ना मजेदार, पूरा चारों तरफ, इस बात की खुशी हो रही है ना कि चारों तरफ ये जो लाइट है एक ही लरी है, एक ही लरी है ये, और चारों तरफ रूम के चारों तरफ डेकोरेट हो गया है, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी। हाँ मुझे अकेले डेकोरेट करने में बहुत मेहनत लगी, बहुत परेशानी हुई, क्योंकि सेलो टेप जो है मुझे खुद काटना होता था, खुद लगाना होता था, और फिर पता चलता था मैं लगा के आगे बढ़ी तो वो वहाँ से गिर गया है, फिर पीछे आती थी, फिर उसको ठीक करती थी, फिर आगे जाती थी, फिर पता चलता था दूसरी जगह सेलो टेप उखर गया है, तो ऐसे में जो एक घंटा मुझे लगना चाहिए, मतलब डेढ़ दो घंटा लग गया, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैंने उस समय घर ही नहीं देखी थी, लेकिन आइडिया एक आइडिया है उससे
मुझे ये लगता है कि 1.5-2 घंटा लग चुका, जो 1 घंटा लगना चाहिए था, 1 घंटा भी नहीं लगना चाहिए था, मैं बहुत ज़्यादा ही बोल दी, वो 1.5-2 घंटा लगे। लेकिन फाइनली रिजल्ट देखी, कितना मज़ा आ रहा है लाइट, और उस पर से मैं डिस्को लाइट ऑन कर दूँगी तो और भी मज़ा आ जाएगा। वो देखिए डिस्को दीवाने मस्ती एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा ये डेकोरेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत की है इस लाइट को लगाने में, इस चीज़ को डेकोरेट करने में मैंने बहुत मेहनत की है, तो मेहनत का फल जो है मीठा होना ही चाहिए, और कमेंट भी प्यारा प्यारा ही आना चाहिए आप लोगों की तरफ से। लाइफ में पूरा भागम भाग लगा हुआ है, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन कर रही थी कि बेटी जो है द्वारा है 3 बजे तक आएगा, क्योंकि बहन वाले भैया जो है उन्होंने कहा था कि आज बहुत जाम रहेगा, इसलिए सीनियर स्टूडेंट के साथ ही मैं जूनियर स्टूडेंट को भी लेके आऊँगा। तो मैंने रिक्वेस्ट तो की थी कि मुझे बाहर जाना है, आप जल्दी लेकर आना, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि वो सही में सही टाइम पर घर में पहुँचा जाएंगे। तो मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी बातों को रखा और मेरी मजबूरियों को समझा, उन्होंने घर पहुँचा दिया सही टाइम पे। तो मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ, मैंने तो सोचा था कि वो उतना बजे आएगी तो मैं उससे पहले रेडी होऊंगी, लेकिन वो अचानक से आ गई, तो मैं फटाफट रेडी हूँ। मुझे बाहर निकलना है, मुझे जाना है वहाँ पे, और मुझे रिटर्न भी बहुत जल्दी आना है, क्योंकि आज छोटा पूजा है दीपावली का, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगा मार्केट में, और गाड़ी उड़ी भी बहुत कम मिलेगी, क्योंकि गाड़ी उड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऑटो ऑटो वाला भी भैया लोग ना जाना नहीं चाहते रहते, जहाँ पर रास्ता में आधे रास्ते में उतार देते, बोलते अब यहाँ से चल जाइए बहना, अब पैदल चलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हाँ घर के आसपास कहीं उतार दिए तो आदमी पैदल चल लेगा 1 किलोमीटर तक, लेकिन अगर 2-3 किलोमीटर तक पैदल उतार दिए तो घर आते आते तो रात हो जाएगी, ऐसा मेरा है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ, मैं जाऊँगी और जल्दी से वापस भी आऊँगी, और यहाँ पे जो थोड़ी बहुत काम है उसे भी करनी है वापस आके, क्योंकि आज ही हमारे पास टाइम है, आज छोटा पूजा है, तो पूजा के साथ साथ हम घर को भी जो भी थोड़ा बहुत बाकी है उसको डेकोरेट कर लेंगे, नहीं तो कल तो बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा, कल तो पूरा दिन कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, शाम आते आते शाम दिखाओ, दिया दिखाओ, पटाखे फोड़ो, हाँ पटाखे मत फोड़ना, थोड़ी बहुत जो है पॉल्यूशन फ्री पटाखे फोड़ लेना, और ज़्यादा मत फोड़ना, क्योंकि सेफ रहोगे तो अच्छी सांसें ले सकते हो, वातावरण में अगर प्रदूषण नहीं रहेगा तो चैन की ज़िंदगी जी सकते हो।